22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सोनिया गांधी हिस्सा नहीं लेंगी। सोनिया गांधी के अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के कई दूसरे बड़े नेता भी इसमें शामिल नहीं होंगे। इस बात को कांग्रेस पार्टी ने ही एक बयान जारी कर साफ किया। कांग्रेस की तरफ से दिग्गज नेता जयराम रमेश ने एक लिखित बयान में ये साफ किया कि बीते महीने ही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण मिला था। पार्टी की तरफ से कांग्रेस के फैसले की वजह भी बताई गई, जिसमें कहा गया कि भगवान राम की पूजा अर्चना करोड़ों भारतीय करते हैं, धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है। साफ है कि एक अर्ध निर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। 2019 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करते हुए और लोगों की आस्था के सम्मान में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी बीजेपी और आरएसएस के इस आयोजन के निमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार करते हैं। साफ है, इस नतीजे पर पहुंचने से पहले कांग्रेस के नेताओं ने काफी विचार विमर्श किया। चूंकि मामला करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़ा था और इससे जुड़े किसी भी फैसले का असर लोकसभा चुनावों पर पड़ना तय है, इसलिए नतीजे पर पहुंचने से पहले सोच विचार स्वाभाविक ही था। यही वजह रही कि बीते महीने मिले न्योते पर कांग्रेस को अंतिम नतीजों पर पहुंचने में कई दिन लग गए। चूंकि ये मामला आस्था और भावनाओं से जुड़ा है, इसलिए कांग्रेस को अपने फैसले के बचाव में कई तर्क गढ़ने पड़ गए। आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन हो, ये भी न्यायालय का फैसला है क्या? क्या वो जो चारों शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, उनके जो तमाम मूल सवाल हैं, क्या बीजेपी और आरएसएस उनका उत्तर देगी? शीर्ष नेतृत्व के फैसले के बचाव में कांग्रेस के नेताओं ने सवालों की झड़ी लगा दी, लेकिन इस फैसले पर कुछ सवाल कांग्रेस से पूछे जाने लगे। मसलन ये कि क्या बीजेपी के गेम में फंसने से बची कांग्रेस? क्या कांग्रेस ने जनभावना के आगे वोट बैंक चुना? क्या विचारधारा के मुकाबले जनभावना फेल हो गई? क्या ये इंडिया अलायंस की एकजुटता का संदेश है? क्या न्योता ठुकराने का फैसला जनता वोट से करेगी? मुमकिन है कि इन सवालों के जवाब लोकसभा चुनावों के नतीजों में तलाशे जाएं। लेकिन लोकसभा चुनावों से पहले नेताओं को जनता का सामना करना है और फैसले पर जनता की प्रतिक्रिया के आधार पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं और विपक्षी गठबंधन की प्रतिक्रियाएं आने वाले दिनों तक मिलती रहेंगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के ही कुछ नेताओं की फौरी प्रतिक्रिया चौंकाने वाली रही, जबकि वो जानते थे कि जो भी फैसला हुआ वो शीर्ष नेतृत्व का रहा। कांग्रेस के दिग्गज नेता सवालों से बचते दिखे तो बीजेपी को भी वो मौका मिल गया जिसका उसे इंतजार था। सीरियसली क्यों लेते उनके पास, वो खुद पछताएंगे अगर नहीं जाएंगे, छोड़ो यार। ये तो राम मंदिर से जुड़ी राजनीति पर नई शुरुआत है, अब हर दिन ये मामला और तूल पकड़ेगा। विवाद के और तूल पकड़ने की वजह भी है, कांग्रेस पार्टी खुद ही राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर असमंजस में रही और उनके कई नेता बार बार निमंत्रण मिलने पर समारोह में जाने की बात करते रहे। ऐसा कहने वालों में कांग्रेस के कई दिग्गज और पार्टी का चेहरा माने जाने वाले कद्दावर नेता भी रहे। यकीन न हो तो दिग्विजय सिंह के ही बीते दिनों के इस बयान को सुनिए। ये तो कोई किसी पार्टी का ट्रस्ट तो है नहीं, इसमें हमें जाने में क्या आपत्ति है? और इसके बाद दिग्विजय ने जो कुछ कहा उससे पहले कुछ दिनों पहले पार्टी इस मुद्दे पर किस फैसले की तरफ बढ़ रही थी उसकी झलक भी मिली। और सोनिया जी तो बहुत पॉजिटिव है, इस मामले में निमंत्रण मिला है, या तो वो जाएंगी या डेलीगेशन हमारा जाएगा। लेकिन अब ये अध्याय यहीं खत्म हो चुका है और पार्टी के नेता अपने आलाकमान के फैसले के असर को महसूस करने की कोशिश करेंगे। एक दिन पहले अपने दफ्तर के बाहर रामलला को लेकर प्रेम जताने वाले पोस्टर लगाने वाली समाजवादी पार्टी रामोत्सव को लेकर भारी असमंजस में दिखी। दिन बीतने के साथ ही पार्टी की तरफ से विवादित बयान भी सामने आ गया, जिसकी जिम्मेदारी एक बार फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने ऊपर ली। यूपी के कासगंज में बौद्ध जन जागरूकता सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे मौर्य ने राम मंदिर आंदोलन के दौरान कार सेवकों पर चली पुलिस की गोलियों को कुछ इस अंदाज में जायज ठहराया। तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वह सरकार का अपना कर्तव्य था, सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। भले ही मौर्य का अंदाज पार्टी पर लगने वाले आरोपों पर सफाई देने का था, लेकिन उनका बयान राम भक्तों को चिढ़ाने जैसा। वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के, बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वह सरकार का अपना कर्तव्य था, सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था।
इस पूरे बयान के जरिए मौर्य राम भक्तों, कार सेवकों और विवादित ढांचा गिराने का श्रेय लेने वाली विपक्षी गठबंधन की सहयोगी शिवसेना को अराजक तत्व बताते नजर आए। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान तब आया जब इससे पहले उनकी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव राम मंदिर से जुड़े आस्था के मुद्दे पर अपने नेताओं को बयानबाजी न देने की नसीहत दे चुके हैं। इसके बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य और शफीकुर रहमान बर्क जैसे नेताओं की इसी मुद्दे पर बार बार बयानबाजी समाजवादी पार्टी के असमंजस को जताता लगा। माना गया कि पार्टी ये तय ही नहीं कर पा रही कि उसे राम मंदिर के समर्थन में कितना आगे बढ़ना है। ऐसे में एक ही चारा बचा कि विवादों का ठीकरा मीडिया पर फोड़ा जाए। दुर्भाग्य है कि देश का मीडिया मोदी मीडिया हो गया, मोदी मीडिया हो गया, इसलिए आज लोकतांत्रिक तरीके से मीडिया अपनी बात नहीं रख पा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के मीडिया पर फूटे गुस्से की वजह राम मंदिर और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ होने वाली बयानबाजी पर सवाल पूछना रहा। स्वामी प्रसाद मौर्य भले ही राम मंदिर को लेकर समाजवादी पार्टी पर हो रहे हमलों का बचाव करने की कोशिश करते दिखे, लेकिन इसी बहाने जाने अनजाने उन्होंने एक पुराने विवाद को एक बार फिर हवा दे डाली। दरअसल ये मामला करीब 33 साल पुराना 1990 का है। उस वक्त उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे, जिसके रहते अक्टूबर महीने में मंदिर आंदोलन तेज हो चुका था और हिंदू साधु संत के साथ ही राम भक्त अयोध्या की ओर कूच कर रहे थे। हालांकि प्रशासन ने अयोध्या में कर्फ्यू लगा रखा था, जिसके चलते श्रद्धालुओं को भी अयोध्या जाने से रोका गया था। पुलिस ने बाबरी ढांचे के 1.5 किलोमीटर के दायरे में बैरिकेडिंग कर रखी थी, लेकिन कार सेवक अयोध्या के हनुमानगढ़ी जाने पर अड़ गए, जिसके बाद 30 अक्टूबर 1990 को पुलिस ने कार सेवकों के ऊपर गोली चला दी। इस गोलीकांड में कई कार सेवकों की मौत हो गई। हालांकि इस गोलीकांड के 2 दिन बाद 2 नवम्बर को हजारों कार सेवक हनुमानगढ़ी के करीब पहुंच गए। इसके बाद मंदिर आंदोलन बहुत तेज हो गया और 2 साल बाद 6 दिसंबर 1992 को इस विवादित ढांचे को गिरा दिया गया। क्योंकि जिस वक्त निहत्ते कार सेवकों पर गोलियां चली, उस वक्त वो सड़क पर बैठकर रामधुन गा रहे थे, इसलिए पुलिस की कार्रवाई और गोली चलाने का आदेश देने वाली तब की मुलायम सरकार की जबरदस्त आलोचना हुई। और अब उस गोलीकांड को जायज बताने की वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के निशाने पर हैं। हालांकि मौर्य की प्रतिक्रिया केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के बयान पर आई थी, जो गोलीकांड के वक्त समाजवादी पार्टी में थे। जिस समय की वो बात कर रहे हैं वो भी समाजवादी पार्टी में थे, जिस समय अयोध्या वाला प्रकरण चला था, इसलिए उनको नहीं बोलना चाहिए। मौर्य ने एसपी सिंह बघेल को आईना दिखाने की कोशिश की, लेकिन मंत्री गड़े मुर्दे को खाड़ते दिखे। उस समय की सरकार ने सीने पर गोलियां मारी थी और गोली इस उद्देश्य से मारी गई थी कि हर गोली से एक कार सेवक मरे। यही नहीं, बघेल अब उस दिन और उस सरकार में कुछ और देखने लगे। वो दिन भारत के लोकतंत्र के लिए काला दिवस था, सनातन धर्म के लिए काला दिवस था और तानाशाही की पराकाष्ठा थी। जाहिर है बयानबाजी का ये दौर कुछ लोगों को शुद्ध सियासी लगने लगा, लेकिन संत समाज सियासी गलियारों में चल रही इस बयानबाजी से आहत दिखा। इसकी वजह स्वामी प्रसाद मौर्य ने उन्हें दी। जो कभी हिंदू धर्म को धोखा तो कभी कार सेवकों पर चली गोली को सही बताते नजर आए। इन बयानों से आहत जगत गुरु राम दिनेशाचार्य ने उन्हें बीमार बताया और सरकार से कार्रवाई की मांग की। यहाँ का गंगा जमुनी तहजीब या सांप्रदायिक सौहार्द है, उसको अगर बताना चाहते हैं और उसको स्थापित रखना चाहते हैं तो ऐसे लोगों पर बैन लगाकर और उन्हें जेल में डालना चाहिए। यही नहीं, एक और संत ने अखिलेश से मौर्य को पार्टी से बाहर करने की मांग की और विवादित बयान की तुलना बौद्धिक आतंकवाद से की। पूरे देश में दंगा फैलाना चाहते हैं, इसके नाते ये बौद्धिक आतंकवादी।